ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। बिल्कुल वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में जैसा आप सब लोग जानते हो, एक प्रॉब्लम हम कर रहे थे और वो क्योंकि टाइम खत्म होने से हमें क्लास बंद करनी पड़ी थी तो वो अधूरी रह गई थी। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट क्लास। और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें दिया हुआ था अ बॉल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, वन एंड ऑफ विच स्ट्रिंग का एक एंड इज टाइड टू अ प्लेट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज से टाइड है और जिस पर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है 8.85 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इफ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में द बॉल इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट, फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट। अगर हम देखो डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक ये बॉल है जिसका मास हमें दे रखा है 1 ग्राम और इस पर कुछ चार्ज है जिसको हमने एक 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है जिसका एक एंड इस शीट पर, ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिससे एक एंड को हमने टाई किया हुआ है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है वो दे रखी है 8.85 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में ये बॉल इस शीट से 24 सेंटीमीटर अवे रहती है तो हमें बताना है कि इस पर जो है चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है, सॉरी ये नहीं दे रखा, चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है शीट के ऊपर, क्या चार्ज डेंसिटी होगी बॉल पर जो है, अच्छा चार्ज ऑन बॉल निकालना, चार्ज ऑन बॉल, ऑन बॉल चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है 8.85 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हम देखो जो सिचुएशन हमारी होगी वो क्या होगी कि इस पर जो है जो फोर्स लगेगा नेचुरली जब ये इधर गई है तो इस पर एक रिपेलिंग फोर्स लग रहा होगा और वो रिपेलिंग फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो कि शीट इस पर लगा रही होगी। तो उस रिपेलिंग फोर्स को हम मार्क करते हैं, वो रिपेलिंग फोर्स हमारा होगा कितना, क्यू ई, और इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना लग रहा होगा एम जी। और जो हमारी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, उस स्ट्रिंग की टेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, टी मान लेते हैं हम उसकी स्ट्रिंग की टेंशन को, तो टी टेंशन किधर लग रही होगी, इधर लग रही होगी। तो ये तीन फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और एम जी इधर लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस बराबर होने चाहिए। लेट अस से इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं और इक्विलिब्रियम को जज करने के लिए इस एंगल को भी मैंने थीटा ले लिया और टी के कंपोनेंट बना लिए, तो ये कंपोनेंट मेरा आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट मेरा आ जाएगा टी साइन थीटा। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो टी कॉस थीटा बराबर होना चाहिए किसके, एम जी के। इसी तरीके से टी साइन थीटा बराबर होना चाहिए किसके, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ई। ये दो फोर्सेस हमारे पास आए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई कि टी साइन थीटा बराबर है क्यू ई के और टी कॉस थीटा बराबर है किसके, एम जी के। अगर हम इसको डिवाइड करें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो इसको इससे डिवाइड करने पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा मेरा बराबर आ जाएगा किसके, क्यू ई अपॉन एम जी। ध्यान से देखेंगे हमें दिया हुआ है ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके कारण क्रिएट हो रहा है, इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए हम ई को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखेंगे दो तरीके के हमने पढ़े थे कि अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, अगर एक ही तरफ चार्ज है तो हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मेटल प्लेट होती है जिस पर दोनों तरफ चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई और हमें क्योंकि क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पूरे एक्सप्रेशन को हम क्यू की वैल्यू की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो क्यू हमारे पास हो गया कितना, एम जी टेंजेंट थीटा अपॉन ई, और ई की अगर मैं वैल्यू प्लेस कर दूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो मेरे पास हो गया एम जी टेंजेंट थीटा और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और 2 ऊपर चला गया और मेरे पास नीचे क्या रह गया, सिग्मा। ये मेरे पास सिचुएशन हो गई, यहाँ मैंने रखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर सारी मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ, सभी वैल्यूज मेरे को दी हुई है एक्सेप्ट दी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। ध्यान से देखेंगे अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाएं तो ये 40 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं भाई ये हमारे पास ये सिचुएशन है, ये 40 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का और ये 24 सेंटीमीटर है,
तो पाइथागोरस से ये मेरा आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर का अंडर रूट अगर मैं लूंगा तो कितना आ जाएगा 32। तो टेंजेंट थीटा बेसिकली मेरे पास हो जाएगा कितना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 24/32 यानी ये हो गया आपके पास 3/4। तो सारी वैल्यूज मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्यू विल बी इक्वल टू मास, मास मेरे को दिया हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी 10^-3 kg। सभी चीज को मैं एसआई यूनिट्स में रखूंगा। जी 10, टेंजेंट थीटा की जगह 3/4 रखना है तो 3 इधर, 4 को हमने नीचे लिख दिया। और फिर उसके बाद 2 × एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने रखी 8.85 × 10^-12, 2 mg 10 थीटा। और नीचे हमारे पास हो गया कितना, सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है 8.85 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को भी हम कूलाम में बदलेंगे यानी 10^-6 कूलाम/m². ये सिचुएशन हुई। अगर आप देखें तो 8.85 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप 10^ को देखें तो 6 ये पावर है और ये ऊपर अगर 6 जाएगी तो ये हो जाएगी टोटल पावर 7 और ये 15। तो जो मेरे पास पावर बचेगी वो बचेगी माइनस की 8 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 यानी 3/2 यानी 1.5। तो क्यू मेरे पास आ जाएगा 1.5 × 10^-8 कूलाम। तो जो बॉल है उसके ऊपर जो मेरा चार्ज आएगा वो कितना आया, 1.5 × 10^-8 कूलाम। ये कल का क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। आपको होमवर्क में भी मैंने दिया था इसको, कुछ लोगों ने हो सकता है इसको अपने आप भी सॉल्व किया हो। आगे चलते हैं, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हम और करेंगे इन टॉपिक्स पर बेस्ड, और फिर आगे जो है अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगले टॉपिक पर जाने से पहले कुछ सवाल इस तरीके के और हम देखेंगे। तो ध्यान से हम देखेंगे कि अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेसिकली बेस्ड है सारे इसके ऊपर, जो अभी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट किए बहुत सारी चीजों के लिए किसके की मदद से, गॉस लॉ की मदद से। तो एक देखो और क्वेश्चन हम इसी तरीके का करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल, 3 डाइइलेक्ट्रिक स्फेयर्स हैविंग रेडियस r/2 r/2r रेस्पेक्टिवली। 3 डाइइलेक्ट्रिक स्फेयर्स हमें दे रखे हैं जिनकी रेडियस हमें दे रखी है r/2 r/2r एंड चार्जेस, और उन पर जो चार्जेस हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं q, 2q and 4q। इफ e1 e2 and e3 आर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट आर फ्रॉम देयर सेंटर्स Find out even ratio E2 ratio E3। क्या कहा, देखो हमें ध्यान से क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बार कि 3 डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर हमारे पास है जिनकी तीनों की रेडियस अलग अलग है, एक की r/2 है, एक की r है और एक की 2r है। तीनों पर जो चार्जेस हैं वो है q, 2q और 4q, और उनसे तीनों से ही के सेंटर से कोई r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक के लिए E1 है, एक के लिए E2 है, एक के लिए E3 है। तो हमें रेशियो बताना है E1, E2 और E3 का। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तीनों हम स्फेयर्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्फेयर हमें दे रखे हैं। पहला स्फेयर हमें दे रखा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r/2 और इस पर जो चार्ज हमें दे रखा है वो दे रखा है क्यू। पॉइंट इससे कोई सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया, ये हमने सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है हमको E1। फिर दूसरा स्फीयर जो बात कर रहा है वो कह रहा है दूसरा स्फीयर की खुद की रेडियस कितनी है R, और जो पॉइंट मुझे कंसीडर करना है वो भी R डिस्टेंस पर कंसीडर करना है। तो इस एक तरीके से ये पॉइंट इसके सरफेस पर आ गया। ये जो स्फीयर है इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2q, दूसरे स्फीयर पर चार्ज कितना दिया हुआ है 2q। तीसरा स्फेयर मेरे पास है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी E2 मान रखी है। तीसरा स्फेयर जिसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी 2r है और इससे भी सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है।
इस पर जो चार्ज हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4q, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी हमको दे रखी है e3। तीनों का रेशियो हमें लिखना है, e1, e2 और e3, तीनों स्फीयर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये तीन सिचुएशन होगी, एक डायलैक्ट्रिक स्फीयर जिसमें पॉइंट आउटसाइड आ गया, जिसकी रेडियस r/2 है, उसके लिए r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो हो गया पॉइंट आउटसाइड, इसके लिए पॉइंट ऑन सरफेस हो गया, जबकि जिसकी 2r रेडियस है, इसकी रेडियस जो हमें 2r दे रखी है, 2r के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, इनसाइड। तो यहां पर तो हमारे पास केस हो गया पॉइंट आउटसाइड वाला, यहां पर हो गया पॉइंट ऑन सरफेस, और यहां अगर हम आए तो यहां हम कहते हैं कि पॉइंट आउट वाला केस हो गया, पॉइंट आउटसाइड वाला केस। डायलैक्ट्रिक स्फीयर में तीनों ही फॉर्मूले हमें पता है। अगर पॉइंट इनसाइड की बात करें तो E1 को मैं लिख सकता हूं KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r मतलब पॉइंट की डिस्टेंस, तो K चार्ज कितना दे रखा है Q, और पॉइंट की डिस्टेंस है कैपिटल R, तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इस पर अगर आए तो हमने लिखा E2 यानी पॉइंट ऑन सरफेस, तो KQ, अब Q की जगह यहां पर क्या लिखूंगा 2Q, क्योंकि चार्ज मेरा कितना है 2Q, और पॉइंट ऑन सरफेस है तो हमें रेडियस यूज करनी है यानी आर स्क्वायर। यहां पर अगर हम आए E3 अगर हम निकालें तो देखो पॉइंट इनसाइड के लिए डायलैक्ट्रिक स्फीयर में जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, KQ अपॉन कैपिटल RQ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r, तो K और Q मतलब टोटल चार्ज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4Q, इस स्फीयर पे कितना चार्ज है 4Q, इसकी रेडियस है 2R, तो 2R का क्यूब हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट की डिस्टेंस यानी R, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है R। तो ये तीन हमारे पास सिचुएशन आ गई E1, E2 और E3 की, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। E1 यही रहा हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर, E2 को सॉल्व किया तो ये बन गया E2 इज इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर, और अगर E3 को सॉल्व करोगे तो देखो ये बन जाएगा 4KQ और ये हो जाएगा 8R³, और एक R से एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी तो 8R² और 4/8 का मतलब हो गया 1/2, तो ये बन जाएगा KQ अपॉन 2R². अब अगर हमें रेशियो लिखना है तो ये तीन चीजें हमारे पास है, KQ बाई R² कैंसिल हो जाएगा, और E1, E2 और अगर E3 का अगर आप रेशियो लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। चाहे तो इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 रेशो E2 रेशो E3, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, 4 और 1, ये हमारे पास आ गया 2, 4 और 1। कई बार इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करवाता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है E2 के कारण, फिर बन रहा है E1 के कारण, और फिर बन रहा है E3 के कारण। तो E2 इज ग्रेटर देन क्या है E1 एंड E1 इज ग्रेटर देन क्या है E3, ये इसका ऑर्डर हो गया, E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड E1 इज ग्रेटर देन E3। ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमें डायलैक्ट्रिक स्फीयर के तीनों केसेस हमको कंसीडर करने पड़े, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट आउटसाइड और पॉइंट ऑन सरफेस। इसी तरीके का एक और सवाल आगे हम देखते हैं कि देखो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, 2 infinite sheets of charge having charge densities sigma and minus sigma। दो हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, एक पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पर माइनस सिग्मा है, आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट नियर टू देम, किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि नियर टू देम, किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि इनके नियर हो उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। दो इनफाइनाइट शीट हमें दे रखी है, सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने कहा कि दो इनफाइनाइट शीटें, एक ये है और एक ये, दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पर हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितनी, सिग्मा, लेट अस से इस पर सिग्मा है और इस पर कितनी है माइनस सिग्मा। कोई भी पॉइंट हमें कंसीडर करना है जिस पर हमें, जो कि इनके पास और जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लिया हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और इसको हमने कहा ये शीट 1 हो गई, ये हमारी क्या हो गई शीट 2।
शीट वन पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण जो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखते हो, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे, तो इस पॉइंट पर वन के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इधर होगा। और जब हम नेगेटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं तो टुवार्ड्स लेते हैं, मतलब ई टू की डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी। जब हम वैल्यू की बात करते हैं इनकी, तो हम कहते हैं कि किसी इनफाइनाइट शीट के कारण हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लिया जाता है वो लिया जाता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। जब नियर पॉइंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट शीट के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों ही केस में E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर आएगा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए ये सिचुएशन होगी, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों मेरे पास वेक्टर्स जो है वो इक्वल वेक्टर है, दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और दो इक्वल वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट मैं लिखता हूँ रूट टू ऑफ सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया वो हो गया रूट टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा और ई नेट की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन रूट टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट पर जो कि इन दोनों के नियर होगा, उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से होगा। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन आएगी क्योंकि बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री पर इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हम बना सकते हैं। तो ये हमने एक सवाल किया कि टू इनफाइनाइट शीट अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बना वो हमारा बना सिग्मा अपॉन रूट टू एप्सिलॉन नॉट। कुछ और सवाल इसी तरीके के हम देखते हैं, आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हम और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन इज लॉन्च्ड, एक किसी इलेक्ट्रॉन फिर से ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन इज लॉन्च्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज लॉन्च्ड टुवार्ड्स एन इनफाइनाइट शीट, टुवार्ड्स एन इनफाइनाइट शीट of charge with 10 electron volt energy। एक किसी इलेक्ट्रॉन को एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरफ लॉन्च किया विद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से, फ्रॉम अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी दी मिनिमम चार्ज डेंसिटी ऑन शीट सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक्स द शीट। देखो सवाल को फिर से ध्यान से समझते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी दे रखी है, उससे 5 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से एक इनफाइनाइट शीट की तरफ लॉन्च किया और हमें कहा कि उस पर कितनी चार्ज डेंसिटी हो, व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज डेंसिटी ऑन शीट सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक ऑन द प्लेट। हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो ये हमारे पास कोई शीट है और इससे 5 सेंटीमीटर से हमने किसी इलेक्ट्रॉन को लॉन्च किया, इधर लॉन्च किया। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलता है तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकती है ये शीट या रिपल्सिव फोर्स लगा सकती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, देन हम कहेंगे कि स्ट्राइक करेगा ही करेगा। तो स्ट्राइक कब नहीं करेगा, जब इस पर रिपेलिंग फोर्स लग रहा हो। तो पहली चीज, तो अगर इस पर रिपेलिंग फोर्स लगना है तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो यहां पर भी चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो जो भी मेरा सिग्मा होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, रिपेलिंग फोर्स लगेगा। और रिपेलिंग फोर्स लगेगा तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ये हमारे पास क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन।
अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसकी कॉस्ट पर किया जाएगा, जो इसके पास एनर्जी है, जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि हमने इसको दी है। तो हम ये लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी इसको दे रखी है। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होगा? देखो क्यू ई होता है, यानी ई चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना है ई, और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने क्या मान लिया कैपिटल ई, तो जो ई है ये इस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड को, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को बेसिकली मैंने लिख लिया ई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कहा कि ये जो है यहाँ इस पे स्ट्राइक करके, बस इतनी इसमें एनर्जी हो, इसमें इतनी चार्ज डेंसिटी हो कि ये इस पे स्ट्राइक ना कर पाए, इसकी एनर्जी यहाँ पहुंचते ही खत्म हो जानी चाहिए। कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है ये? 5 सेंटीमीटर। तो वर्क डन जो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए वो क्या लिखेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे देखो ई और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फोर्स हो गया, और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा मान लो एक्स डिस्टेंस तक ये चलता है, तो एक्स बराबर होना चाहिए किसके? काइनेटिक एनर्जी का चेंज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम जब मिनिमम कंडीशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि मिनिमम क्या चार्ज डेंसिटी हो, तो यहां आके भले ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए इसकी, और इतनी चार्ज डेंसिटी इस पर होनी चाहिए, तो हम इसको क्या लिखते हैं? बेसिकली ये हमारी डिस्टेंस हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हम 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया ई सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, और जो है एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 5 × 10^-2 विल बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारी एनर्जी है वो कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें बदलना होगा किसके अंदर? जूल के अंदर। तो जो एनर्जी हमें दे रखी है, देखो ध्यान से, हम ध्यान देख से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें जो दे रखी है वो दे रखी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम चेंज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10^-19 जूल। तो 10 × 1.6 × 10^-19 जूल, ये हमारे पास इसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना? 10 × 1.6 × 10^-19 जूल। इन सब की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ई यानी 1.6 × 10^-19, सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है 5 × 10^-2, ये डिस्टेंस होगी जो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर जस्ट स्ट्राइक करने से रुक जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर सकता है अपनी एनर्जी के कारण, लिमिटिंग केस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नीचे 2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 × 10^-12, बराबर हो गया 10 × 1.6 × 10^-19। ये हमारा कैंसिल हो गया 1.6 × 10^-19। सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिग्मा बेसिकली हमारे पास बराबर हो गया इसके, इसको किया तो 2 × 10 × 8.85 × 10^-12 डिवाइडेड बाई 5 × 10^-2। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर्स को पहले देखते हैं, ये ऊपर गया 10 की पावर 3 हो गई, 3 हुआ तो 10 की पावर हमारे पास बची कितनी? 9। अगर आप देखें तो देखो 10 की पावर हमने कैसे कैलकुलेट की, 10 ये ऊपर गया, 2 प्लस की पावर हो गई, 1 ये प्लस की पावर पहले से ही है 3, तो 12 में से 3 गया तो 10 की पावर हमारे पास बची 9 माइनस की 5, और इसको करें तो ये 8.85 कैंसिल हो जाएगा 5 से, 1.77 टाइम्स, और 2 × 1.77 को 3.54 लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 3.54 × 10^-9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई 3.54 × 10^-9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर से देखेंगे कैसे हमने कैलकुलेट किया। बेसिकली
कि हमने कहा कि इसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये स्पेंड करेगा उस एनर्जी, ये इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये स्पेंड करेगा उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन के लिए। हम लिमिटिंग केस निकाल रहे हैं कि इसकी एनर्जी यहाँ स्ट्राइक करने से पहले जस्ट खत्म हो जानी चाहिए। तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले खत्म हो जाए, इसका मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी चल सकता है, 5 सेंटीमीटर चल सकता है। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ उसको हमने कैलकुलेट किया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और उसको रख दिया किसके, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो रही है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो हमने इसको दी थी कितनी दी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने चेंज कर लिया जूल में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने चेंज किया 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹, सभी वैल्यू हमने प्लेस की और किसको कैलकुलेट किया, हमने चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट। तो ये हमारे पास सिचुएशन आई इसकी। आगे चलते हैं, इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं ताकि इसको हम थोड़ा सा एक्सपर्ट कर सकें। हमें कहा कि देखो क्वेश्चन है, एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन परपेंडिकुलर फ्रॉम आ infinite sheet of charge having charge density sigma is equal to 5 × 10⁻¹⁹ coulomb per meter square with a velocity V is equal to 2 × 10⁶ meter per second. देखो, an electron is thrown perpendicular from an infinite sheet of charge having charge density sigma 5 × 10⁻¹⁹ coulomb meter with a velocity 2 × 10⁶ meter per second. ठीक है, हमसे क्या कहा, How much distance the electron can move from sheet. देखो चार्ज डेंसिटी हमें पॉजिटिव दे रखी है और इलेक्ट्रॉन को अगर उस पे से हमने फेंका है तो प्लेट उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी, शीट उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी। इसका मतलब जो है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जो है फाइनली काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तब प्लेट उसको वापस अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कुछ कुछ पहले जैसा ही सवाल है, हम कहते हैं ये हमारे पास प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी शीट है, सॉरी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इस पर से एक इलेक्ट्रॉन को हमने लॉन्च किया जो वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, और हमें कहा कि ये कितनी डिस्टेंस तक जाता है ये हमें बताना है। देखो इस पर जो हमेशा फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो फोर्स कितना लग रहा होगा, ई, और फिर से वही अगर ई की वैल्यू रख दें तो ई सिग्मा अपॉन 2 ε₀, शीट दे रखिए, तो हमारे पास हो गया ये ई सिग्मा अपॉन 2 ε₀, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो ये जो वर्क डन करेगा इधर जाने के लिए, ये वर्क डन करेगा किसकी कॉस्ट पर, अपने काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 × 10⁻¹⁹, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो मान सकते हैं। तो हम फिर से वही लिखते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन, अगर ये एक्स डिस्टेंस तक चला गया है तो ई सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इंटू एक्स बराबर होना चाहिए किसके, 1/2 mv² - 0, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। अब फिर से वही, हमें सारी चीजें दी हुई है जिनकी है, हमें सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू की टर्म में इसको हम लिख देते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अगर x की वैल्यू हम निकालें तो x कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv² ε₀ अपॉन e
और सिग्मा, ये हमारी सिचुएशन होगी एम वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई सिग्मा, वैल्यू प्लेस करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी होता है, लेकिन फॉर दी सिंप्लिसिटी आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, आप ये मान लें कि आपको दे रखा है 9 × 10⁻³⁻³ केजी, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे 9 × 10⁻³⁻³ केजी, 9.1 की जगह हम 9 यूज कर रहे हैं। वी स्क्वायर, वी हमें कितना दे रखा है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻½। एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻½। और नीचे ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻¹। और सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 5 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹। फर्दर इसको हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, क्या हो रहा है। तो पावर देखें तो 10⁻¹ ये 12 और ये कैंसिल हो गया, 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 1.77 आ जाता है। और अगर पावर देखें तो ये पावर हो गई माइनस की 20, माइनस 20 और माइनस 9, माइनस का 29 हो गया और ऊपर माइनस की 31 है, 29 पॉजिटिव ऊपर गई 31, तो 10⁻⁻²⁻² फाइनली हमारे पास बचेगी। और ऊपर हमारे पास बचा 36 और नीचे हमारे पास, और ये बचा 1.77 और नीचे हमारे पास आ गया 16। ये बेसिकली x की हमारे पास वैल्यू आ गई। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 4 9 जा, और 9 / 4 को अगर लिखोगे तो 2.25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाएगी 1.77 × 2.25 × 10⁻²⁻² मीटर। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻²⁻² हट जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आना चाहिए, 0. ये आ जाना चाहिए 3.98 के आसपास आएगा, 3.98 सेंटीमीटर होगा, 3.9।